purpose to be there. Looking smart, resplendent, and majestic. I'd like to be the sort of man that tries to tell the about. I'd like to be the sort of man that cannot live without. And a smart salute by the General Officer Commanding Air, the great commander, to the Supreme Commander of the Armed Forces. Going past us in the belief that I'd like to be the man that really is Indian, the head erect, the shoulders square, clean-minded, just and fair. And all picture away this sea, the glorious banner of the free. I'd like to be the sort of man the flag now signifies, the kind of man we want the flag to symbolize. The loyal brother to our trust, the big, unselfish, soul and just, the strong supporter of all that's best. I think to be the sort of man the flag is supposed to be. Now, gradually coming in front of the saluting air, the parade second in command. Major General Abhay Krishna, Adhikrishna Seva Medal, Seva Medal, which is Seva Medal. He's an alumnus of St. David's School, Patna, and later graduated from National Defence Academy in Harapasta. He was commissioned into the Rajput on arrival regiment in June 1980. The General Officer has held very command of staff appointments while serving at various positions in the army. The General Officer has commanded an infantry battalion in the high altitude area and also commanded a first rifle battalion in Manipur and then later at Bukhara, German Kashmir, part of the country. The General Officer was a U.S. infantry observer in Mozambique and Rwanda. After successful command of the Army Division of E, the General Officer is presenting the Chief of Staff, Jerry Air. Smartly saluting the President and the Supreme Commander of the Armed Forces. और स्वागत कीजिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर एवं ऑनरेबल कैप्टन बाला सिंह हवलदार संजय कुमार सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल सायर पीठावाला लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह एक्स ऑन क्रीडा सूबेदार श्री मुंडू श्री कुमुम सिंह श्री गोविंद सिंह श्री भूरेला इनकी जाबाजी की दास्तान पर हिंदुस्तानियों को फख्र है परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र शांति काल में इसी तरह की असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है हम भारतवासियों को इन जाबाज सैनिकों पर नाज है इनकी दास्तान हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है और आज हम इन्हें शत शत नमन करते हैं और सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ एक सच कैवलरी का दस्ता 51 घुड़सवारों का पहला दस्ता ग्वालियर लांसों की समारोह के पोशाक में सुसज्जित इस दस्ते की कमान संभालिए कैप्टन प्रीतम मिश्रा ने अष्टशक्ति यशोबल यानी अष्टशक्ति हमेशा सर्वोत्तम के आदर्श वाक्य वाली इस कैवलरी के जवानों ने युद्ध एवं खेल यानी सभी जगह अपनी योग्यता और बहादुरी का लोहा मनवाया इसे हाई का सम्मान से भी नवाजा गया है हवा चले तो मिट जाए तुम लिखा रेत पर नाम नहीं यायावर को सांसों के तुम कोई अर्ध विराम नहीं दर्द मरुस्थल में जिंदगी जड़ हो तो भूख को छेद दे सीख ढूंढे स्वाति की एक बूंद अनंत को दे दे कदम कदम में कटी असी कदम कदम में कटी असी वाणी में आह्वान है थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है इसकी कमान संभाली मेजर सुनील कुमार किया गया रेजिमेंट का आदर्श वाक्य वन फॉर ऑल फॉर वन टैंक की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा
इस टाइम की लेजर परिचालित मिसाइल क्षमता के दुश्मनों को 5 किलोमीटर तक तबाह किया जा सकता है। आज हमारे देश के अस्त्र और शस्त्रों को देखकर यही जज्बात दिलों में आ रहे हैं कि परचमों से कहो कि खुली अंगड़ाइयां लें, परचमों से कहो कि खुली अंगड़ाइयां लें, फौजें अपनी शिकस्त का सबों को जमाएं, फतेह और कामरानी के डंके बजाएं, तोपें जमहूरियत की सलामी उतारें। राष्ट्र पर स्वागत कीजिए देव के पुस्तारक दस्ते का। देव के पुस्तारक दिल हो या रात 4000 मीटर दूरी तक शत्रुओं के ठिकानों का नामो निशान बनाएगा। ये भी है दस्ते का नेतृत्व कर रहे 11 अगस्त के जन्मदिन विजय होगा। इनका आदर्श वाक्य है पहला सबसे पहला, और जो घोष है गर्व का हो बोल क्या है। अनिल इस बार को एक साइज से अपग्रेड किया गया है। ये धरा को बाहर 1 T70 दुष्कर के माइंस फ्लिप पे तबाही मचा देगा। स्वागत कीजिए 114 आर्म इंजीनियर रेजिमेंट के दस्ते का, जिसकी कमान है कैप्टन जयेश कुमार और कैप्टन पूर्वशी जयोवा के हाथों। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है अग्रसर और आप बराबर। स्वागत कीजिए अब भगवान शिव के धनुष निराकार के कर्ता ही ब्रह्मांड को खगाने के लिए काफी होता है, और शिव के इसी धनुष के नाम निराकार पर रखा गया है उस मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम, जिसमें एक साथ 12 रॉकेट होते हैं जो 38 किलोमीटर की सीमा के अंदर दुश्मन को सांस नहीं लेने देगा। दस्ते की कमान है कैप्टन मनोज पवार के हाथों में। इनका आदर्श वाक्य है विजय भव। Now, a detachment of 881 missile regiment to provide autonomous launcher of Brahmos missile system, today led by Captain Ravi Kumar. The missile has a maximum range of 290 kilometers and can strike deep into the enemy territory with precision at a speed of 2.8 Mach. An all-weather fire and forget missile capable of being launched from multiple platforms based on land, sea, subsea, and air. The unit has got 2 Shaurya Chakra, 2 Stellar Medals, 1 Chief of Army Staff Commendation and 10 General Officer Commanding Chief Commendation. Motto of the regiment, Sarvatra Israel Ekban, and the war cry, Hoki Hoya Ho. Approaching the Saluti Gares, the next contingent is Indian Army's first three-dimensional tactical control radar. The contingent led by Captain Chandani Mishra of 28 AD Regiment, along with Captain Ashish Kumar of 322 AD Regiment. The radar is capable of detecting and identifying aerial targets at ranges of up to 90 kilometers. Motto of the Corps, Akashe Shatrun Jani. Now satellite on the moon's communication platform. Next contingent is part of the desert communicators, also known as the tropo signalers of the cone of signals, who engineer cutting-edge communication for the fighting field forces of the elite Indian Army, led by Major Baldev Singh Chowdhury, Sena Medal. The star-promoted communication platform provides satellite communication on the moon in an inhospitable terrain for a strike field coalition. Motto of the core, Team Choppers. Designed by Park Electronics Limited, this platform is capable of providing communication from anywhere to GSAT-14.
सलामीगंज के समक्ष अपने क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए रैपिडली डिप्लॉयबल सैन्य टर्मिनल आगे बढ़ रहा है। कोरल सिग्नल्स का आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस, जिसका नेतृत्व मेजर स्मृति झा सेठी और मेजर मानस दास कर रहे हैं। कोरल सिग्नल्स के सैटेलाइट टर्मिनल को एक फौजी भी उठा सकता है। And now, ladies and gentlemen, look up in the sky. You can now see three cross-like helicopters of the Army Aviation planning the formation. The formation led by Colonel Dhananjay M. Pasale, Sena Medal. The other two helicopters captained by Lieutenant Colonel Amar Dawate and Major Admiral Singh Khanda. भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारियों की टीम ने वर्ष 2005 में माउंट एवरेस्ट अभियान में हिस्सा लिया और मेजर अश्विनी के एस पवार विशिष्ट सेवा मेडल माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी बनी। भारतीय वायुसेना की तीन महिला अधिकारियों ने वर्ष 2011 में माउंट एवरेस्ट के शिखर को स्पर्श किया। कभी अजय कहे जाने वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जैसे अभियान को भारतीय सेना की सात अधिकारियों ने वर्ष 2012 में सफलतापूर्वक पूरा किया और सर्वोच्च शिखर पर भारत की शान और सेना के ध्वज को स्थापित कर हमारी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाए। आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं की महिला अधिकारियों की छाती इस अभियान को शान से प्रस्तुत कर रही है, जहाँ सेना की पांच महिला अधिकारी मेजर नेहा भटनागर बीएसएम, मेजर नरता राठौर बीएसएम, मेजर पूनम सांबर बीएसएम, मेजर दीपिका राठौर बीएसएम और वायुसेना की तीन महिला अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी, स्क्वाडन लीडर राधिका शर्मा और स्क्वाडन लीडर पूरिका रानी दिखाई दे रही है। Keep your attention affixed towards Rashtrapati Bhavan, ladies and gentlemen, filled with eternal sentiments of nationalism, here comes today's leading marching contingent of Army's women officers and theirs from the Officer Training Academy led by Captain Divya A. Captain Divya also holds the honor of being the first women officer who has been awarded with Sword of Honor. Our women officers have proved their mettle in every field, performing with fortitude, efficiency, sense of duty, and patriotism. Whether it is standing atop the Everest or surveying the freezing cold of mountains, the burning deserts of Rajasthan, smart, focused, brave, and disciplinary officers have always signified women empowerment. Keeping in steps with the marching tunes Roshni and emblazed with their instruments, you can see now a combined band of Artillery Center Hyderabad and Bombay Engineer Group and Center Keki. The band, consisting of 3 junior commissioned officers and 48 musicians, is led by Subedar A.R. Medju of Artillery Center Hyderabad. We forever love our motherland. After all, this is the place where we belong and stand. The next contingent moving forward with pride is of the Brigade of the Guards, led by Captain Aditya Thunder of 4 Guards. The regiment was awarded a senior position in the infantry and takes first rank in the army. The motto of the regiment, Pehla Hamesha Pehla, the war cry, Kar Kahu War Gai. Ready? All ready. Tum seema kaafi rehna. Hum
I will go to the next one.